इस वीडियो में हम लाइट को अपने मोबाइल फोन से कंट्रोल करेंगे विद द हेल्प ऑफ यूजिंग गेटवे। तो सबसे पहले अपना जो भी ड्राइवर होगा वो ब्लूटूथ वाला होना चाहिए, तो ही हम अपने फोन के ब्लूटूथ से कंट्रोल कर पाएंगे। तो जैसे हम नॉर्मली फाइल शेयर करते हैं दूसरे फोन में ब्लूटूथ का यूज करके, तो हमें दोनों फोन का ब्लूटूथ ऑन करना पड़ता है। उसी तरह हमें ड्राइवर का भी ब्लूटूथ ऑन करने के लिए स्विच से 3 बार बटन को ऑन ऑफ करना होगा, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन। जैसे ही आप 4 टाइम ऑन करेंगे तो लाइट 3 बार ब्लिंक करेगी, इसका मतलब अब ड्राइवर का ब्लूटूथ ऑन हो चुका है और पेयरिंग मोड में जा चुका है। तो ये तो हो गया कैसे मोबाइल का ब्लूटूथ का ड्राइवर का ब्लूटूथ पेयर करेंगे एक दूसरे से। साथ ही हम गेटवे का भी स्विच ऑन कर देंगे। अब लाइट्स और गेटवे को ऐड करने के लिए हमें एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है स्मार्ट लाइफ। वैसे तो हम फोन के ब्लूटूथ से ही लाइट को ऑपरेट कर लेते हैं, उसमें लेकिन कुछ लिमिट होती है, जैसे अपना मैक्सिमम 30 फीट से ज्यादा डिस्टेंस से लाइट को ऑपरेट नहीं कर पाओगे। तो गेटवे से एक चीज हम कर सकते हैं कि हमारा जो भी डिस्टेंस लिमिट है वो खत्म हो जाता है, तो हम गेटवे से कहीं भी हो कितने भी दूर हो लाइट से हम इजिली ऑपरेट कर सकते हैं। तो मैं आपको सारा प्रोसेस फोन में करके दिखाता हूँ। करता हूँ, इंटरनेट कनेक्शन मांग रहा है तो मैं इसे वाईफाई कनेक्शन दे देता हूँ। कनेक्टेड हो गया। अब देखो यहाँ पे ऐड डिवाइस का ऑप्शन है, आप ऐड डिवाइस कर दो तो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे, ऐड मैनुअली और ऑटो स्कैन। तो आप मैनुअली भी इसको ऐड कर सकते हो लाइट्स और गेटवे को, और भाई ऑटो स्कैन भी कर सकते हो तो ऑटोमेटिकली स्कैन कर लेगा। अब आते हुए तो यहाँ पर देखो 3 दिख रहा है आपको ऑप्शन, एक GPS का एक्सेस मांग रहा है, वाईफाई का मांग रहा है, ब्लूटूथ का मांग रहा है। तो वाईफाई तो हमने दे चुका है स्टार्टिंग में, तो वहाँ पर टिक दिखा रहे हैं। तो हम लोकेशन का देते हैं, GPS ऑन करते हैं और ब्लूटूथ ऑन करते हैं। अब यहाँ पे देखो आप स्टार स्कैनिंग का ऑप्शन आ गया है। तो इसको स्कैन करने से पहले हमें लाइट्स का ब्लूटूथ ऑन करना पड़ेगा और गेटवे का, तभी दोनों पेयर हो पाएंगे। तो जैसा मैंने बताया था लाइट का ऑन करने के लिए हमें स्विच से 3 बार ऑन ऑफ करना पड़ता है, तो मैं करता हूँ। देखो लाइट्स ब्लिंक हो रही है, मतलब लाइट्स का पेयरिंग मोड ऑन हो चुका है। और अब देखोगे ना गेटवे में, तो गेटवे में ब्लू और रेड लाइट, तो जो रेड लाइट है ना ब्लिंक कर दी है, मतलब वो भी स्कैनिंग मोड पे है। तो भी मतलब वो भी अब जब हम ऑटो स्टार्ट स्कैन करेंगे ना तो गेटवे का भी इसमें पेयरिंग आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो लाइट का आ रहा है, गेटवे का आ गया। हम नेक्स्ट करेंगे, तो देखोगे आप यहाँ पे ब्लूटूथ में 2 डिवाइस दिखा रहे हैं और एक गेटवे दिखा रहे हैं। तो हम यहाँ पे ऐड करने का ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो आप देखो यहाँ पे पासवर्ड, वाईफाई का पासवर्ड और यूजर नेम आ रहा है। तो अगर आपका वाईफाई का पासवर्ड डालना पड़ेगा आपको फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो डालने के बाद कन्फर्म पे आप क्लिक कर दो। तो ये कुछ टाइम लेगा कनेक्ट होने के लिए, यूजुअली 20% तक ज़्यादा, उसके बाद अपने आप 100 तक हो जाता है फटाक से। देखते हैं, हो गया, मतलब अपना गेटवे कनेक्ट हो चुका है, ऐड हो चुका है एप्लीकेशन में। ये हो गया गेटवे। अब जो हमारा 2 लाइट्स उसको ऐड कर लेते हैं। इसने कुछ 5 to 10 सेकंड सोच लेता है, दोनों लाइट्स अपनी ऐड हो जाएंगी। आगे देखो दोनों लाइट्स पे टिक दिखा रहे हैं, डन कर देंगे, फिर से डन कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, अभी दोनों लाइट्स बाहर है, गेटवे भी बाहर है, तो हम गेटवे के अंदर दोनों लाइट को ऐड कर देंगे। तो गेटवे में जाएंगे, हाँ देखोगे ऐड डिवाइस बाय लिस्ट करेंगे, हमारे पास 2 डिवाइस है लिस्ट में, दोनों को टिक कर देंगे और यहाँ पे कंफर्म कर देंगे यहाँ पे इमीडिएटली टू ज्वाइन। तो डिवाइस को ऐड करेगा दोनों डिवाइस को अपने गेटवे के अंदर,
ऐड फिनिश। तो हमारे जो गेटवे के अंदर दोनों लाइट्स आ चुकी हैं। अब बाहर भी देखो तो भी ऐसे दिखाएगा, गेटवे के अंदर जाएंगे दोनों लाइट है। तो आप एक लाइट ऑन, अपने लाइट टू आप उसका नाम भी चेंज कर सकते हो, यहाँ के ऑप्शन जाके अपडेट आप कैंसिल कर देना। अब यहाँ से उसका लाइट वन लाइट जो नाम देना, लाइट का नाम दे सकते हो। और यहाँ पे है हम इसे सीसीटी कर सकते हैं, तो चेंज करे कर सकते हैं। देखो आप लाइट में चेंज हो रहा है, देखो वाले लाइट में। अब इसको राइट कर दो, कर दो, ऐसे कंट्रोल होगा ये। और अब देखो यहाँ पे ऑप्शन भी है, टाइमर का ऑप्शन दिखेगा आपको। तो आप या हावर से यहाँ पे हावर जीरो वन मिनट करके मैं कंफर्म करता हूँ। तो अब देखोगे ऑफ आफ्टर 0.1 मिनट, तो एक मिनट के बाद ये अपना ऑफ हो जाएगा। आप यहाँ पे शेड्यूल का भी ऑप्शन दे सकते हो, शेड्यूल में आप ऐड कर दो, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे। देखो यहाँ पे देखेगा आपको टाइम कि 4, मेरा भी 4:07 हो रहा है। तो आप 4:10 पे चाहो तो इसको पीएम एएम रख के ऑफ ऑन कर सकते हो, कुछ नोट डाल सकते हो, नोटिफिकेशन आएगा अगर आप जो चाहोगे वो सब आप कुछ नोट लिख के और नोटिफिकेशन करोगे तो जब जितना बजे आपका लाइट ऑन होगा आपको डिस्प्ले पर नोटिफिकेशन भी आएगा। साथ ही आप यहाँ पे ऑन ऑफ जो करना चाहो और सेव कर दोगे तो शेड्यूल सेट हो जाएगा। तो उसके अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन बंद भी हो जाता है मोबाइल का तो भी अपने आप हो जब टाइम पे वो सेट 4:10 पर हमने सेट किया है तो लाइट कहीं पर भी हो तो 4:10 पे ऑन ऑफ जो आपने किया है वो अपने आप हो जाएगा। ये फीचर से वैसे आप सेकेंड लाइट का भी कर सकते हो। बस दैट्स इट।